कोमा पेशेंट को सब कुछ पता चलता है, उसके कोमा में होने के बावजूद भी उसके आसपास क्या चल रहा है उसे सब कुछ पता चलता है। सबसे पहले तो इंसान कोमा में जाता क्यों है, किसी ट्रॉमेटिक इंजरी की वजह से या किसी रीजन की वजह से उसके ब्रेन सेल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचता, इसीलिए। कोमेटोस पेशेंट बेड पर लेटा हुआ है, साथ ही वो बंदा किसी से कम्युनिकेट करने की साइन भी नहीं दिखाता। इन शॉर्ट वो बंदा टोटली अनकॉन्शियस स्टेट में है, लेकिन उस बंदे का दिमाग अभी भी आसपास के इवेंट्स को प्रोसेस करता है। फॉर एग्जाम्पल, उस पेशेंट को जो भी मिलने आया, उनके फूट स्टेप्स या मिलने वाले ने उससे क्या बातें करी, ब्रेन सब कुछ रिकॉर्ड करता है। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि उस पेशेंट का दिमाग सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है कि नहीं? तो इलेक्ट्रोएनकेफेलोग्राफी EEG उससे मेजर होती है कोमा पेशेंट की ब्रेन एक्टिविटी। लेकिन ऐसा रेयर केस में होता है कि पेशेंट कोमा से बाहर आए और उसे ये सब याद हो।